तो अभी टाइम हो गया है 5:30 AM और हम निकल आए हैं स्टेशन के बाहर, हम और आकाश भाई, और सारे लोग ब्रश कर रहे हैं। हम आए हैं बाहर चाय पीने, हमारा ब्रश हो गया था, तो बाकी हम जाएंगे तो और लोग आएंगे। और ये है बढ़नी स्टेशन के बाहर का व्यू। तो फिलहाल चाय ले लिया है चाय पीने के बाद, और सब लोग चाय पीने के बाद यहाँ से हम लोग जाएंगे नेपाल। अभी तो बढ़नी है, नेपाल में जाना पड़ेगा। नेपाल में जाने के बाद वहाँ से हम लोग को जाना है गोढ़ई। तो गोढ़ई के लिए वहाँ से बस मिल गई, अभी चाय वाले भैया से पूछा गया है। तो करीब नेपाल से गोढ़ई का रास्ता है 4 से 5 घंटे का। हम लोग यही सोच रहे कि कैसे कटेगा 4 से 5 घंटा, काटना पड़ेगा ही। यहाँ सारे लोग हो रहे हैं रेडी, ये सब लोग अपना अपना बैग उठा रहे हैं। तो अभी टाइम हो गया है 6:14 और हम लोगों ने स्टेशन छोड़ दिया है। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं नेपाल बॉर्डर पे, वहाँ से करेंगे अपनी गाड़ी और उसके बाद निकलेंगे गोढ़ई। तो यहाँ पे एलियन पाया गया है रोड पे, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पीछे नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर लिया है, नेपाल में आ गया है। हमने बढ़नी छोड़ दिया है। तो ये शायद कोई चौक है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर पता होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये जगह का नाम क्या है। तो अभी हम लोग को सबसे पुराना पेट्रोल पंप दिखा है, मतलब ऐसा भी पेट्रोल पंप होता है हमको पता नहीं था। तो अभी हम आ गए हैं कृष्णा नगर बस पार्क में, यहाँ से हम लोग को गाड़ी लेनी है। और यहाँ पे पीछे लोग खड़े हैं, आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का पहाड़ दिखना शुरू हो गया है यहाँ से। अभी यहाँ हो गया है बवाल थोड़ा सा गिड़गिरी। तो अभी थोड़ी देर पहले मैटर हो गया था, मैटर इसलिए हो गया था क्योंकि हम लोग को इस वाले बस में, जिस बस में बैठे हैं हम लोग, उसमें सीट नहीं मिल रही थी, तो हम लोग दूसरे बस में चले गए थे। तो उसका नंबर नहीं था, इस वजह से इस बस के ड्राइवर में और उस बस के ड्राइवर से झगड़ा हो गया था। फाइनली 3-3.5 घंटे ट्रैवल करने के बाद हम पहुंचे हैं गोढ़ई पहुंचे हैं। नाम बार बार भूल जा रहा हूं मैं, और मतलब भाई यहां का सीन क्या लाजवाब सीन है, मज़ा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। रुकिए अभी आपको दिखाते हैं यहां से। तो ये है यहां का सीन, हालत खराब है, डांट रहा है। यहाँ का सीन कैसा लगा आपको? बहुत मिली लाज। तो अभी देखते हैं क्या प्लान है, कहाँ जाना है यहाँ से। तो हमारे विशाल भाई बताएंगे, अभी जहाँ भी जाना है वहाँ जाके दिखाएंगे आपको। तो अभी हम यहाँ से, सॉरी वो पीछे वाले रास्ते से नहीं जाना था, हम लोग को सामने इस ब्रिज से जाना है जो कि रस्सी वस्सी से बना हुआ है। तो अभी मैंने एक चिप्स खरीदा जिसका नाम है कुरूर मुरूर, जो कि 20 रुपये का है और इसमें है कुछ नहीं। तो और पीछे जो रेड कलर का पन्नी दिख रहा होगा मेरे बैग में, ये है बारिश के लिए, क्योंकि ऊपर पहाड़ों पे बारिश हो रही है। तो हम सामने का रास्ता आपको दिखा रहे हैं कि हम लोग को कहाँ से जाना है। आपको यहाँ से इस पे चल के जाना है उस पहाड़ के ऊपर, जो कि ये सीधे ये मिट्टी वाला रास्ता जाएगा पूरा, और कुछ ऐसा भी हुआ है यहाँ से। और ये सामने आकाश भाई, तो ये कुछ इस टाइप का पन्नी है जो कि मैं समझ में कुछ आ नहीं रहा है कि कैसे क्या करना है। सामने का रास्ता देखेंगे तो आपकी भी थोड़ी सी फट जाएगी, मेरी तो फट ही गई है। ये है रास्ता और इस पे ही जाना है हम लोगों को। तो एक दो गलतियां हैं जो कि हम लोगों ने कर दी है, जो कि आप लोग मत करिएगा, पहली गलती है। तो एक दो गलतियां हम लोग से हो गई हैं। पहली बात तो खाने का सामान, जो भी चिप्स वगैरह था हम लोग लेके नहीं आए, और यहाँ पे थोड़ा सा चिप्स 20 रुपये का मिल रहा है। और दूसरी बात कि आप रेनकोट लेके जरूर आए यहाँ पे, क्योंकि हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, 40 का पन्नी और 40 रुपये का पन्नी आपको लेना पड़ेगा, जो कि संभालना बड़ा ही मुश्किल है। देखिए किस तरह से इसको मैंने बांधा हुआ है यहाँ पे। अब ये जो व्यू है सामने, मतलब जो आधा पहाड़ बादल से ढका हुआ है, तो मतलब ये जो व्यू है भाई क्या बताए, सुकून है यहाँ पे, सुकून। तो अभी हम लोग सुबह से कुछ खाए नहीं है, करते करते ये पूरा समय निकल रहा है। तो ऊपर जाएंगे तो खाएंगे हम लोग। तो आपको यहाँ पे इस तरह के घर अभी दिखाते, किस तरह के घर यहाँ ज़्यादा देखने मिलेंगे।
ये जो आप देख रहे हैं इस तरह के घर आपको यहाँ ज़्यादा देखने मिलेंगे। और हमारी हालत इतने में ही ख़राब हो गई है तो अभी आगे और भी चढ़ाई करना है, पता नहीं कैसे करेंगे। आज भाई कुछ आपसे बोलना चाहते हैं। हाँ तो और ऐसा चल गई तो पेपर और सब लॉडम तीन हो जाए, सारा पेपर पर छूट जाए तन्ने और तेजी तेजी चलिए बिजल कहा था जिंदगी में कुछ कहीं नहीं पाई है। जो आपको बांस वास दिख रहा होगा ऐसे गाढ़ा हुआ है, तो ये है यहाँ पे भुट्टे की खेती बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी हम लोग को ये सीधा चालान करना है ताकि हम लोग की हालत अभी ख़राब हो गई है, चढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो लगभग अभी हम लोग लग रहा है आधा किलोमीटर ही चढ़े होंगे। और अभी आगे का व्यू दिखा दें आपको, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है आगे का व्यू। और ये है कुछ आगे का व्यू ऐसा, आगे बकचोदी चल रही है तो हल्की हल्की झीसें पड़ रही हैं चेहरे पे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सुकून है। और पानी का जो ये झरने वाला आवाज़ एक नंबर, मज़ा आ जाएगा सुन के। अभी हम लोग को एक छोटा सा झरना टाइप का बहाव मिला है तो हम उसमें अपना पैर धोएंगे क्योंकि थकान ज़्यादा हो गई है। तो ये है यहाँ की खूबसूरती। वादियाँ ही वादियाँ। तो अभी थोड़ा दूर और चलने के बाद एक और कह सकते हैं बहता हुआ पानी है। हे माँ शक्ति दे माँ, पहुँचा दे ऊपर माँ, तेरे लिए आया माँ। हे भोले शंकर, हे पार्वती माँ, पहुँचा माँ मुझे पहुँचा। तो अभी थोड़ा ही चला गया लेकिन ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा चल दिया गया है। जहाँ हम लोग बैठे थे वहाँ पे दो मतलब डॉगी आ गए, तो उन लोगों को बिस्किट खिलाया जा रहा है, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा हम लोग हमारे दोस्त। तो अभी 5-6 किलोमीटर चलने के बाद एक दुकान मिली हम लोग को यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे रेस्ट ले रहे हैं वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे हम लोग। तो अभी मैगी बनाया जा रहा है, मैगी खाएंगे हम लोग, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखने से लग ही रहा होगा कि हालत खराब हो गई है। तो ये हो गई अपनी मैगी तैयार। तो अभी यहाँ से मैगी वैगी खा लिया हम लोगों ने, अब आगे बढ़ रहे हैं। तो जो एक प्लेट मैगी थी वो हमको पड़ी है 25 रुपए की, आईसी 25 रुपए की पड़ी है, और अगर आप नेपाली लेते तो 35 रुपए पड़ता। तो अब यहाँ से फिर से हम लोग चढ़ना शुरू कर दिए हैं, अभी कम से कम हम लोग को 50 किलोमीटर चलना है। तो ये चेहरे पर दिख रहा है ये पानी नहीं पसीना है, और यहाँ का नज़ारा देख लीजिए और यहाँ का नज़ारा देखिए यार, प्यार तो आ रहा है लेकिन थकान इतनी हो गई कि जाहिर नहीं कर पा रहे। अभी एक दिन नहीं बिता, अभी कम से कम 3 दिन बिताना भाई साहब, क्या हाल होगा। तो अभी हम लोग एक और दुकान पर रुके हुए हैं, बैटरी ज़्यादा बहुत ज़्यादा लो हो गई है हम लोगों की, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोले। अभी वहाँ तक जाना है, यहाँ से शॉर्टकट है और वहाँ से लॉन्ग कट है। तो हम लोग यहाँ तक चढ़ चुके हैं और ये कुछ ऐसा नज़ारा, हम लोग वहाँ नीचे से आ रहे हैं, देखिए वो जो नीचे दिख रहा है ना वहाँ से हम लोग यहाँ पे आए, ऐसे चट्टानों पे चले और ऐसे ऐसा रास्ता है भाई साहब। तो अभी हम पहुँच गए हैं एकदम ऊपर, मतलब कहाँ पहुँच गए पता ही नहीं है। अब पीछे एक मिल गया है हम लोग कुटिया, अब इसमें बिछाएंगे बिछौना और आज रात यहीं रहना है, आगे नहीं बढ़ना है भाई। इनको देखो इनका रिगार्ड पड़ गया है, अगर ये थोड़ा सा करवट लेंगे तो जाएंगे नीचे। अब नहीं रुकना है भाई, कहीं नहीं जाना। अंकित भाई क्या हाल है, ये पूरा खाई ही खाई, ये हम लोग चलते हुए समझ नहीं आ रहा है पैर कहाँ रखे। अबे पैर फिसल, आराम चल भाई। साला ये देखिए पूरा खाई, यहाँ जाएंगे तो दीदी नीचे नीचे पूरा का पूरा नीचे देखिए। तो अभी हम पहुँच गए हैं, यहाँ तो पड़ गया लेकिन अभी हम पहुँच गए हैं लगभग लगभग टॉप पे पहुँच गए एक पहाड़ के यहाँ से, क्योंकि सारा पहाड़ अब क्लियर दिख रहा है। तो हालत देख के लग ही रहा होगा कि क्या हाल हुई है। तो आपको एक सजेशन हम देंगे, खैर बहुत ज्यादा एडवेंचर करने का मन करे और बहुत ज्यादा हिम्मत हो, बहुत ज्यादा चुल रहे जिसको
वो इस क्या कौन सा है? नहीं नहीं ये वाला घोड़ाई घोड़ाई घोड़ा मर वाले घोड़ाई वाले रास्ते से आए और घोड़ा मर वाले जिसको चूल नहीं है भाई वो दूसरे रास्ते 13 किलोमीटर का एक रास्ता है वहां चला जाए। बस पहुंच गए टॉप ऑफ द माउंटेन। यहाँ का सीन कुछ ऐसा है, अभी इसके पार जाना है भाई साहब। ये देखिए यहाँ का व्यू, ये आकाश भाई, ये मनीष भाई, ये हम लोग का हीरो और ये है अंकित। अभी यहाँ से हम लोग को चढ़ाई करना है फिर ऊपर ऐसे करके। चलिए ठीक। तो अभी अभी मरते मरते बचे हैं, मेरा पैर फिसल गया था पत्थर से, लेकिन फिर भी हिम्मत करके यहाँ ढाबे तक पहुँच गया है। ये टॉप ऑफ द माउंटेन है ये ढाबा, और हमारे गाइड भाई हमको छोड़ के चले गए थे। लड़का गिरने जा रहा था, बचा लिए उसको। अरे चलते चलते इसकी माँ चो गांड गुलगुल्ला हो गया है। कभी तो ये हमारी टीम बैठी है भाई, अब बन रहा है मैगी। इनके चक्के घुटने के चक्के में मोबिल कम हो गया है। यहाँ पे कोहरा बनना स्टार्ट हो गया है, जैसा कि बादल मतलब वही कोहरा बनेगा बादल ही। तो बादल देखिए किस तरह से पहाड़ को ढक रहा है। अब धीरे धीरे शाम हो रहा है तो ठंडी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। और फिर हमें यहाँ से जो ये रास्ता जा रहा है सामने ये वाला, यहाँ से नीचे उतरना है, पूरा पहाड़ नीचे उतरना है। और इधर से हम लोग पूरा पहाड़ चढ़ के आए थे और उधर से पूरा पहाड़ नीचे उतर के जाना है। तो दिखाते हैं वहाँ का भी रास्ता, ढलान जहाँ से हम लोग की उतरना है। और कुछ है यहाँ का व्यू ऐसा खतरनाक। तो यह है पीछे का व्यू और यहाँ से हम लोग को उतरना है नीचे। तो मिलते हैं नीचे चल के। हम लोग अभी ऊपर से यहाँ ऊपर से नीचे उतर आए हैं और पीछे का नज़ारा देख के तो आपको प्यार ही हो जाना है भाई। मतलब आइए यहाँ आइए, लेकिन ऐसा ग्रुप लेके आइए जो अच्छा हो। ले आइए, मस्त ऊपर लगाइए, गमछा बिछाइए, चटाई बिछाइए और मस्त खाइए। चले चाहिए पूरे कहते हैं लोकेशन का, पूरे लोकेशन का मजा उठाने के बाद ही यहाँ से जाइए। हमारे अंकित भाई चॉकलेट खिला रहे हैं बच्चों को। चलो जाओ 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 जाओ, इसका ले लो भाई, इसका क्लोजअप लो, इसका क्लोजअप। रुको बेटा रुको, इधर देखो। यहाँ पे आंटी जी लोग भी चॉकलेट खाएंगे, बच्चों को देख के इनके मुंह में पानी आ गया। तो यहाँ पे कुछ दिन पहले लैंडस्लाइड हुआ था, जैसा कि ये पूरा नीचे आ गया है। और दादी हमारी खतरों खिलाड़ी नीचे जाके भाई पेड़ कटाई हो रहा है। आप जब भी इस जगह आइए सावधानी बरतिए, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बारिश में अगर इग्नोर कर पाए तो बारिश में मत आइए, कहने का मतलब ये है। तो अभी हम लोग का 1 घंटे का रास्ता और है, कब पहुँचेंगे पता नहीं, चल रहे हैं बस। हाँ तो अभी हम ये पूरा पहाड़ उतर के नीचे चले आए हैं और यहाँ पे दो प्यारी बच्चियाँ बैठी हैं जो कि डंडा बेच रही हैं। तो ये सबसे ज़्यादा क्यूट, और एक ये एक तो ले लो भाई मेरे लिए भी। तो डंडा हो गया तैयार। नेपाली तो यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है, इसलिए हम लोग को थोड़ा जल्दी कवर करना पड़ेगा रास्ता। और अभी ये डंडा ले लिया है तो सपोर्ट अच्छा मिल रहा है। तो अभी हम आ गए हैं सारा पहाड़ क्रॉस करके नीचे, यहाँ पे मिल गई है गुमटी। अभी अभी आधा रास्ता ही पूरा हुआ है और रास्ते में मिल गए हमारे हरिंदा के भैया आकाश भैया।
पहले विनीत भैया, फिर आकाश भैया और मोटा, और भी हमारे मित्र हैं, सब लोग मोटा बाटेंगे, सब हमारे ही शहर के आनंद नगर के। तो अभी चाय पियेंगे, फिर इसके बाद बारिश होने लगी है तो बारिश थोड़ा शांत तो पता नहीं होगी नहीं होगी, तो थोड़ा वेट करेंगे उसके बाद निकलेंगे। ऐसे क्यों तो मिलते हैं अभी आगे। तो यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई थी तो हम लोग काफी ज्यादा नीचे आ गए हैं, ढलान बहुत ज्यादा थी, सड़क बहुत ज्यादा रहा है, तो हमारे अरुण भाई पीछे ही रह गए हैं, तो अभी उनके साथ चलते हैं हम लोग। तो अभी हम पहुंच गए हैं त्रिवेणी जी, अब यहाँ पे इस टाइप का कुछ रूम मिला है, मतलब मट्टी का ही है, ऐसा होटल तो यहाँ होता नहीं है। तो अब यहाँ खाना वाना खा के आराम करेंगे और सुबह निकलेंगे हम लोग प्रभु नाम, तो असली मजा तो कल से शुरू होने वाला है, तो मिलते हैं कल सुबह।